और क्या क्या रूल है और आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो या कंपलसरी रहना ही पड़ेगा, कितने टाइम तक रहना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको अगर जानना हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी एडमिशन हो गई है क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में तो आपको हाउसिंग कंपलसरी है या नहीं है। पहले तो मैं बता रही हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत लोग कमेंट करके या फिर इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछते हैं कि हाउसिंग कंपलसरी है या नहीं है। तो मैंने हमारे टाइम पे कैसा था, हाउसिंग कंपलसरी नहीं थी और हमें ऑप्शन था कि आपको ऑन कैंपस रहना है या खुद से हाउसिंग ढूंढोगे। तो हमने तो खुद से हाउसिंग ढूंढूंगी इसी ऑप्शन पे टिक किया था। तो मैंने हमें और बहुत मतलब सबको यही लगता था कि अभी तक हाउसिंग कंपलसरी नहीं है। तो मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट को बताया था कि हाउसिंग कंपलसरी नहीं होती, पर मुझे ना ये जो स्टूडेंट है पहले एक दो पूछते थे और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में हाउसिंग कंपलसरी है या नहीं है नए स्टूडेंट के लिए। तो मैंने पूछा कि मैंने सोचा कि सारे स्टूडेंट एक ही पूछ रहे हैं कि हाउसिंग कंपलसरी है या नहीं है। तो मुझे भी ऐसा था कि एक स्टूडेंट का डाउट हो सकता है, दो स्टूडेंट को हो सकता है, पर बहुत सारे स्टूडेंट वही वही पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ग्लोबल में काम करती है, तो मैंने उसको कंफर्म करके मतलब उसको कॉल करके पूछा कि क्या है हाउसिंग कंपलसरी है या नहीं है। तो मुझे उसने कुछ बातें आज बताई, तो वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपकी एडमिशन अगर क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में हो गई है और आप ग्लोबल स्टूडेंट हो तो आपको हाउसिंग कंपलसरी हो गई है। ऐसा अभी ये रिसेंटली इस सेमेस्टर में मतलब इस ईयर में ये डिसीजन लिया गया है और यहाँ जो कॉलेज भी है मतलब यूनिवर्सिटी भी है इस काम के ऊपर अभी वर्क करना शुरू है। तो ऐसा कुछ भी 100% कंफर्म नहीं है कि क्या है कैसा है, पर जितनी जितनी चीज़ें मुझे पता चली है, मेरी फ्रेंड ने मुझे जो भी समझाया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपकी एडमिशन अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में होने वाली है, जैसे अभी नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब फॉल 22 में आप आने का सोच रहे हो, अगर आपको एडमिशन मिल रही है तो अभी फॉल 22 से आगे जितनी भी एडमिशन होंगी उनके लिए हाउसिंग कंपलसरी हो जाएंगी। अगर आप ग्लोबल स्टूडेंट हो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट और ग्लोबल स्टूडेंट क्या होता है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, पर मैं अभी शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो और आपने यहाँ पर सीट बुक करने के लिए $2000 पे किए हो तो आप ग्लोबल स्टूडेंट हो, और आपने यूनिवर्सिटी में खुद से जाके यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके खुद से अपने फॉर्म वगैरह फिल किया है तो आप इंटरनेशनल मतलब डायरेक्ट स्टूडेंट हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो आप ग्लोबल स्टूडेंट हो। कोई कोई कंसल्टेंसी जो होती है वो डायरेक्ट एडमिशन भी करा के देती है क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में। जैसे मेरी फ्रेंड कंसल्टेंसी के थ्रू ही आए पर वो ग्लोबल स्टूडेंट नहीं है, वो डायरेक्ट स्टूडेंट है। तो ये अभी क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में हाउसिंग कंपलसरी हो गई है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, और क्या क्या रूल है और आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो या कंपलसरी रहना ही पड़ेगा, कितने टाइम तक रहना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको अगर जानना हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको हाउसिंग तो कंपलसरी हो गई है, पर वो एक केस में आप निकाल सकते हो अगर आपको कंपलसरी हाउसिंग हो तो। वो ऐसा है कि आपके अगर इमीडिएट रिलेटिव जैसे मम्मी पापा या फिर बहन हो तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके दिखाना पड़ेगा कि हमारे रिलेटिव यहाँ पर रहते हैं, तो हमें कॉलेज के हाउसिंग की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऑन कैंपस हाउसिंग की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आप जो मैंडेटरी हो गई है हाउसिंग वो आप निकाल सकते हो, पर अगेन आपको सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा। तो उसमें भी एक रूल है, अगर आपके रिलेटिव्स का घर जो है ना यूनिवर्सिटी से स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर होगा तो ही आपको वो अलाउ करेंगे, नहीं तो आपको कंपलसरी ऑन कैंपस हाउसिंग जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की है उसी में रहना पड़ेगा। अभी सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको रूम कहाँ पर मिलेगा। तो मैंने ऐसा सुना है कि रिजर्व स्क्वायर के कुछ अपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ने मतलब रिजर्व स्क्वायर के साथ यूनिवर्सिटी ने टाइप कर लिया है और किसी और अपार्टमेंट में भी किया होगा, पर मैं रिजर्व स्क्वायर में रहती हूँ तो मुझे रिजर्व स्क्वायर के बारे में पता है। तो जहाँ पर यूनिवर्सिटी ने टाइप किया होगा वहाँ के आपको अपार्टमेंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी।
करेंगे। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे कुछ चॉइसेस देंगे कि आप इंडिया से हो, दूसरे कंट्री से हो, कौन से कंट्री से हो, तो आप किसके साथ रहना प्रेफर करोगे। और ऐसा है कि अगर लड़कियाँ हो तो आपको लड़कियों के साथ ही रूम शेयर करने को मिलेगा, अगर लड़के हो तो लड़कों के साथ ही रूम शेयर करने को मिलेगा। ऐसे ये सारी जानकारी मेरे फ्रेंड ने अभी तक मुझे दी है। तो हाउसिंग जो है ना आपको 6 महीने के लिए कंपलसरी रहेंगी, मतलब एक सेमेस्टर के लिए आपको कंपलसरी यूनिवर्सिटी के हाउसिंग में रहना पड़ेगा, और उसकी फ़ीस होगी $4,000, मतलब 3 लाख के आसपास। तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी हाउसिंग प्रोवाइड की गई है तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको चेयर मिलेगी, टेबल मिलेगा, बेड मिलेगा, मैट्रेस मिलेगा, और लॉन्ड्री भी शायद उसमें इंक्लूड होंगी, इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिक बिल जो होता है ना वो भी सब इसमें इंक्लूड होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर आने के बाद 6 महीने के लिए फुल फर्निश्ड घर मिलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हाउसिंग है आपको 1 वीक पहले ही मिलेंगी, उससे अगर आप पहले आ गए हो तो आपको हाउसिंग नहीं मिलेंगी, 1 वीक पहले ही आपके लिए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हाउसिंग अवेलेबल है वो आपको मिलेगी। जैसे अभी आपके मंडे को क्लास स्टार्ट हो गए हैं, मतलब होने वाले हैं, तो आपको उसका 1 वीक पहले से, मतलब मंडे से, 1 वीक पहले का मंडे, वहाँ से नेक्स्ट वीक, मतलब 1 वीक पहले आपको हाउसिंग मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप इससे पहले आते हो तो आपको अपनी हाउसिंग का, मतलब सब कुछ अपने खुद से देखना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी हाउसिंग कंपलसरी हुई है ना, वो बस इसी ईयर में, इसी सेमेस्टर में स्टार्ट हुई है, तो ये जो है ना इस पर वर्क करना अभी शुरू है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं, मतलब अभी भी फिक्स ऐसे कुछ रूल नहीं बने हैं। तो ये मैंने जो प्राइस बताया आपको या फिर मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी तो वो बदल भी सकती है, पर जितना मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया वो मैं आपको यहाँ पर अभी इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो अगर आपको इसके बारे में पूरी एक्यूरेट अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो आप अपने मेल चेक करते रहिए, क्योंकि किसी के पास इसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें भी इतना पता नहीं होता है कि ये हाउसिंग का न्यू जो रूल आए हैं उसमें क्या है कैसा नहीं, पर आपको मेल आते होंगे तो उस मेल में पूरा सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है। तो आप अपने मेल अच्छे से चेक करते रहिए और वहाँ पर एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए कि क्या है क्या नहीं, तो आपको पूरी आइडिया, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि ये हाउसिंग क्यों कंपलसरी की है। तो जो भी नए स्टूडेंट आते हैं ना, उन्होंने कंप्लेंट की है कि हम आने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ के लोग अगर $500 रेंट हो है मंथ का किसी रूम का, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, जैसे कि $1,000 ले लेते हैं, तो फिर वैसे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए, मतलब ऐसे स्टूडेंट ना फंस जाए, इसके लिए ये हाउसिंग जो है ना कंपलसरी की है। तो हम ये हाउसिंग कंपलसरी होने के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हाउसिंग कंपलसरी हुई है तो पहला एडवांटेजेस ये है कि आपको इंडिया से, अगर आप अपने कंट्री से जहाँ से भी आ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रहूँगी कहाँ पर या रहूँगा कहाँ पर, कैसा रहेगा सब कुछ, क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूँ, जो कि अकोमोडेशन से रिलेटेड बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उनको टेंशन भी होता है कि मैं US में जाऊँगी या फिर जाऊँगा तो रहूँगा कहाँ पर, रहने का कुछ ठिकाने नहीं होता, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। तो वो टेंशन आपको नहीं होगा, यहाँ पर आपको आने के बाद सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड होगा। तो ये मुझे एक एडवांटेज लगता है। दूसरा है कि आपको अगर फुल फर्निश हाउस मिल रहा है तो आपको यहाँ पर आने के बाद बेड वगैरह, मैट्रेसेस, ये सारी चीज़ें जो लेने का टेंशन होता है ना, वो आप इस टेंशन से बच जाओगे। मतलब आपको आने के बाद ऐसे स्टडी पे फोकस करने को आपको टाइम मिलेगा, ना कि इन सारी चीज़ों पे कि अभी मुझे ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, ये कुछ, आपको सब कुछ रेडीमेड एक अच्छा खासा घर दिया जाएगा। तीसरी बात ये है कि आपको, आपके पेरेंट्स भी ऐसे टेंशन फ्री हो जाएंगे, उनको भी कुछ टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा जो लड़का है या फिर लड़की जा रही है क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में, वो अच्छे से रहेंगी, हाउसिंग वगैरह का कुछ टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप अदर कंट्री में आते हो तो थोड़ा रहने का टेंशन ही होता है। तीसरा एक एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे हम 1 BHK में 2 ही लोग अलाउ होते हैं, वो भी मुझे कंफर्म नहीं पता, 2 या 3 अलाउ होते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होते हैं। तो लोग क्या करते हैं,
अगर उनका 1 BHK है तो वो 2 या 3 लोगों की कैपेसिटी हो तो यहाँ पर 10-10 लड़कों को रख लेते हैं या फिर ज़्यादा लोगों को रखते हैं और फिर उनसे जो पैसे होते हैं ना वो डिवाइड हो जाते हैं तो कम पैसे लगते हैं। पर आपको जगह के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत कम लिमिटेड जगह मिलती है और घर भी मेसी रहता है, तो ये सारा सब कुछ अवॉइड हो जाएगा, आपको एक क्लीन अच्छा खासा घर मिलेगा आने के बाद। सनलाइट भी जा रही है तो अभी मुझे जल्दी जल्दी वीडियो शूट करके ख़त्म करनी है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप आ रहे हो, आपका एजुकेशन लोन है, तो आपको बैंक को दिखाना पड़ता है कि लीज पे मेरा नाम है या नहीं है। कुछ कुछ बैंक में दिखाना पड़ता है, कुछ कुछ बैंक में नहीं दिखाना पड़ता। तो आपको यहाँ पर कैसे होता है, अगर आप आ रहे हो, आप खुद से रूम ढूंढ रहे हो तो वो रूम किसी के नाम पर होगा तो आपको लीज़ ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, तो वो भी थोड़ा प्रोसीजर होता है। यहाँ के रूल और रेगुलेशन भी बहुत होते हैं, उसमें आपको पैसे भी देने पड़ते हैं फिर। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, तो आपको यूनिवर्सिटी से अगर रूम मिल रही है तो आप अपने बैंक में दिखा सकते हो। तो ये मुझे कुछ एडवांटेजेस लगे हैं जो कि कंपलसरी हो गई है हाउसिंग उसके। तो अभी हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। वहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी तो मैंने अभी जगह चेंज कर ली है। पता नहीं मैंने जो आधी वीडियो शूट की है वो आपको प्रॉपर दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, पर अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी वीडियो अभी दोबारा शूट करूँ, तो बस अभी मैनेज कर लीजिए जैसे भी वीडियो बनी है वैसी। जो ऑन कैंपस हाउसिंग जो मैंडेटरी हो गई है ना, तो उसका मुझे सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये लगता है कि आपको पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर खुद से रूम देखते हो तो देखिए कैसे होता है कि यहाँ पर ना 2 BHK में अगर 4 लोग अलाउड है तो यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं, 6 लोग 7 लोग रहते हैं, तो वो जो रेंट के पैसे जो होते हैं ना वो डिवाइड हो जाते हैं, तो आपको कम पैसे में यहाँ पर आप रह सकते हो। पर अगर आप यूनिवर्सिटी के मतलब ऑन कैंपस हाउसिंग ले रहे हो तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आपके पहले से ही फ्रेंड बन गए हैं, जैसे कि ग्रुप में फ्रेंड बन जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी में आने से पहले किसी से बात कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम साथ में रह सकते हैं, तो आपको अभी हाउसिंग जो मैंडेटरी हो गई है तो उसमें आपको ऐसा चांस नहीं रहेगा कि आप मुझे इसके साथ ही रहना है, तो जो आपको रूममेट मिलेंगे उन्हीं के साथ आपको रहना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी हाउसिंग जो है ना वो सिर्फ ग्लोबल स्टूडेंट के लिए है, जो भी डायरेक्ट स्टूडेंट आएंगे उनके लिए अभी तक तो ऐसा कुछ रूल नहीं बना है और मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा अभी कुछ रूल बनेगा। अभी ग्लोबल स्टूडेंट के लिए ही ये सब कुछ है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये जो कंपलसरी हाउसिंग हुई है वो अच्छी लगती है या नहीं। तो ये ऑन कैंपस जो हाउसिंग हुई है वो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, सही डिसीजन है या नहीं है, या आपको यूनिवर्सिटी ने हाउसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए या आप खुद से ढूंढना ही प्रेफर करोगे, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना मैं क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग बनाने का सोच रही हूँ, तो आपको कुछ भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर वीज़ा या फिर किसी भी तरीके के कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, बाय।